तो बात कह रहे हैं कि इफ़ टेन थीटा इक्वल टू तो माइनस वन पॉइंट फाइव एंड थीटालाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ कॉस इज तो यार ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा पूरा ठीक है ये तो हम सबको बताइए कि ये जो हमारा पहला सिस्टम है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव ठीक है यहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं सेकेंड में थर्ड में टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं टेन थीटा इन्होंने माइनस वन अपॉन फाइव दिया है तो इसका मतलब है कि टेन थीटा अगर नेगेटिव है ठीक है और थीटा लाइज इन फोर्थ ऑफ़ कोर्स फोर्थ में नेगेटिव ही होना चाहिए तो वैल्यू कॉस थीटा की क्या होगी वैल 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 बड़ा अच्छा सवाल है <laughs> देखो आपको अच्छी तरह पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्क्वायर थीटा के सो so डेयर अगर यहाँ वनो और टेन थीटा के लिए जैसे कि माइनस वन अपॉन फाइव दी है तो उसका स्क्वायर ले लोगे वन अपॉन फाइव हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर थीटा ऐसा ही है ना मामला तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात सोचो के फाइव यहाँ मल्टीप्लाई होगा फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन फाइव सिक्स अपॉन फाइव अगर सेक्वायर थीटा है तो भाई कॉस तो सेक का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स के और कॉस थीटा चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे अब ये बात है चूंकि कॉडरेट फोर्थ है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है नेगेटिव नहीं आनी है फाइव का स्क्वायर रूट फाइव होता है सिक्स का रूट सिक्स होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स